नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीकेआर किचन में। तो फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी हमारी जन्माष्टमी स्पेशल है। आज कान्हा जी के भोग के लिए हम आटा ड्राई फ्रूट पंजीरी बनाएंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सीकेआर किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे आने वाले नए वीडियोज़ के। तो फिर आइए फटाफट बनाना शुरू करते हैं आटा ड्राई फ्रूट पंजीरी। तो मैंने एक पैन गैस पे चढ़ाया है और इसमें मैंने डाल दिया है लगभग ये 3 से 4 चम्मच देसी घी। और देसी घी में अब हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं रेगुलर वही गेहूं का आटा है। तो मेजरमेंट करके डाला है गेहूं का आटा। आप चाहें तो किसी भी कटोरी या फिर बाउल से भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। तो 1 कप आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और आटे को इसमें हमें अच्छे तरीके से सेकना है। तो यहाँ पर अगर कम लगे आपको तो 1-2 चम्मच हम सेकते वक्त भी और डाल सकते हैं। तो एक बार अच्छे से मिक्स करके चेक कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है, बस 4 से 5 चम्मच में आराम से ये आटा सेक जाता है। तो थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। तो बस इसको आपको आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है। लगभग इस प्रोसेस में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। गेहूं को आटे को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे आपको नहीं सेकना है। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो वो फटाफट से जलना शुरू हो जाएगा। इसको हमें बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से खुशबू आनी शुरू हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तब तक आपको सेकना है। और इसको लगातार चलाने का ध्यान रखें। या तो किसी हैवी बॉटम का पैन या कढ़ाई लें या फिर नॉनस्टिक का यूज़ करें ताकि सेकने में आसानी रहे। तो ये देखिए आटे का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है और आटा एकदम दानेदार दिखना शुरू हो गया है। तो देखिए लगभग ये 80% हमारा आटा सिक चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये 2 चम्मच लगभग ये गोंद है, पिसा हुआ गोंद है जिसको हमने मिक्सी में पीस के लिया है। तो बस इसमें हमने आटा 1 कप लिया है तो 2 ही चम्मच मैंने गोंद का पाउडर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। और ये डाल दी हमने 2 चम्मच इसमें खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। और इन दोनों को हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि आटा भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा और इसमें ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा। गोंद को अच्छे से भुनना ज़रूरी है वरना फिर वो दांत में चिपचिपा सा महसूस होता है। देखिए हमने इसको 4-5 मिनट भून लिया था गोंद और खसखस डालने के बाद में। तो अब ये आटा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम सिक के तैयार हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने थोड़े काजू लिए हैं बारीक कटे हुए, किशमिश है, बादाम है बारीक कटी हुई, खोपरे के पतले पतले बारीक स्लाइस कर लिए हैं, मगज के बीज लिए हैं हमने थोड़े, और थोड़ी हमने पिस्ता ले ली है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, जैसे कि मखाना है। मखाना को पहले आप ड्राई रोस्ट कर लें एकदम और फिर आप डाल सकते हैं। चिरौंजी भी डाल सकते हैं इसमें आप, खजूर भी ड्राई जो खजूर होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करते हुए 1 या 2 मिनट थोड़ा सा आटे के साथ ही रोस्ट कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम रोस्ट हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे। ड्राई फ्रूट को हमने पहले नहीं रोस्ट किया है, हमने आटे के साथ ही इनको सेक लिया है तो प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए 2 मिनट हमने इसको सेक लिया है। तो गैस को बंद कर देंगे और पैन हमारा काफ़ी गर्म है तो थोड़ा सा आधे मिनट के लिए इसको लगातार चलाते रहें ताकि आटा जले नहीं, तले में चिपके नहीं। और इसको हम ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल पंखे के नीचे रखेंगे तो फटाफट हो जाएगा।
तो ये देखिए ठंडी हो गई है पंजीरी, तो ये अब इलायची डाल देंगे हम। तो ये 6-7 इलायची को हमने दरदरा कूट लिया है, लगभग ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है तो वो हमने डाल दिया है, और ये 1/2 कप के करीब इसमें चीनी है जिसको हमने मिक्सी में पीस के इसका पाउडर कर लिया है। इसकी जगह आप चाहे तो जो बूरा शक्कर आती है वो भी डाल सकते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा लिया है तो हमने 1/2 कप इसमें लिया है चीनी का पाउडर, तो बिल्कुल गेहूं के आटे की आधी मात्रा में हमको चीनी लेनी है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल पंजीरी ठंडी होने के बाद में ही आपको चीनी का पाउडर मिलाना है। गर्म गर्म में मिलाएंगे तो फिर चीनी पानी छोड़ देगी और आपकी जो पंजीरी है वो बिल्कुल गीली गीली हो जाएगी। तो देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए चीनी का पाउडर डालने के बाद में जो पंजीरी का कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है, वाइट वाइट हो गया है। तो देखिए बहुत ही शानदार, हेल्दी और टेस्टी, फटाफट से बनने वाली कान्हा जी की फेवरेट हमारी ये आटा और ड्राई फ्रूट की पंजीरी बनके बिल्कुल रेडी है। तो इस बार जन्माष्टमी पे झटपट से ये हेल्दी और टेस्टी पंजीरी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता से, आप चाहे तो थोड़ा सा बादाम भी डाल दें, और एक तुलसी का पत्ता रखकर इसको हम कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से और फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है, और स्पेशली ये कान्हा जी की बहुत ही फेवरेट है, काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ।